इस मॉड्यूल में हम फाइनम एकाइनोडरमेटा की एक और क्लास ऑफिजूराइडस में रीजनरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा में रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत अहम है रीजनरेशन क्या प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल्स जो हैं वो अपने लॉस्ट पार्ट को रिप्लेस कर लेते हैं और जो लॉस्ट पार्ट है उससे एक कम्प्लीट इंडिविजुअल बन जाता है क्लास एस्टेराइडे में हमने सी स्टार में देखा कि अगर एक सी स्टार अपना

और इस सारे प्रोसेस के अंदर मसल्स जो हैं दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल अब इसमें कंट्रेक्शन ऑफ सर्टन मसल्स दे में सर्व द कास्ट ऑफ आर्म्स और उसके अंदर जो कास्ट ऑफ आर्म्स है उसके अंदर भी मसल्स जो है कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे और उससे एक पूरा जो है आर्म रिजनरेट हो जाएगा इस प्रोसेस को हम ऑटोटोमी भी कह देते हैं ऑटोटोमी इज़ अ ग्रीक वर्ड ऑटोस का मतलब है सेल्फ टोमोस का मतलब है कट और इस तरह से ऑटोटोमी का प्रोसेस जो है काइनोडर्म्स में इस सेंस में भी ये बहुत हेल्पफुल है कि एनिमल जो हैं अपने आप को प्रीडेटर से एस्केप कर लेते हैं बजाय कि प्रीडेटर पूरा एक एनिमल जो है उसको एनगल्फ कर ले ये अपना एक पार्ट जो है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे फिर और, और इस रिजनरेशन की कैपेबिलिटी की वजह से एनिमल्स के अंदर काइनोडर्म्स के अंदर सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज कर जाता है कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जिनके अंदर रिजनरेशन का प्रोसेस जो है उसमें एक फिशन लाइन अपीयर होगी अक्रॉस द सेंट्रल डिस्क और उस फिशन लाइन से फिर एनिमल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर पार्ट से एक कंप्लीट इंडिविजुअल डेवलप कर जाएगा तो जब हम ये देखें कि कोई भी एक एनिमल जो कि क्लास ऑफ से बिलोंग करता है उसको अब हम कहेंगे ऑफ यूरिड्स कोई भी ऑफि यूनिट जो है इफ़ इट इज़ सपरेटेड इन टू टू हाफ्स अलॉन्ग अ लाइन तो उन दोनों ऑफि यूनिट्स में भी रीजनरेशन होकर कम्प्लीट इंडिविजुअल डेवलप कर जाएंगे अब ऑफि यूनिट्स जो हैं इनकी ये एबिलिटी कि ये स्केप करके एक कम्प्लीट इंडिविजुअल बना लें या अपने आप को प्रीडेटर से महफूज कर लें बिल्कुल ये वैसी ही एबिलिटी है जो कि हमें लिजर्ड्स में नज़र आती है लिजर्ड्स भी हम देखते हैं कि बाजू का दे यूजली शेड ऑफ देयर टेल और उनकी टेल टिप जो है वह ऐसा हमें यू टू मस्कुलर मूवमेंट्स, विप लाइक मूवमेंट शो करती भी अक्सर प्लेसेस पे नज़र आती है तो जो उनका टेल का डिस्टल पार्ट है दैट हैज़ आल्सो द एबिलिटी टू कंफ्यूज़ द परसूअर्स ओफीयूराइड जो हैं इनके आर्म्स के अलावा और भी बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिजनरेशन की एबिलिटी है फॉर एग्जांपल ऑफी यूरिड जो हैं दे कैन रिजनरेट गट एंड गोनेट फ्रेगमेंट लॉस्ट अलोंग विद द आर्म्स फिर जो इसके आर्म्स हैं जो कि अब बिल्कुल बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे उनको हम कहेंगे डिसकॉर्डिड आर्म्स ये डिसकॉर्डिड आर्म्स जो है समाइम्स दे इवन डोंट डेवलप इन टू कम्प्लीट इंडिविजअल और ये जो है दे यूजली इफ़ द कंडीशन आर नॉट अप्रोप्रियट इनके अंदर कंप्लीट इंडिविजुअल के डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल स्टार दीज आर इट्स फाइव आर्म्स अब इसके फाइव आर्म्स जो है इसमें कोई भी अगर एक आर्म का पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा इफ़ इट इज़ अस्केप्ड बाय द प्रीडेटर्स तो इस सेपरेट हुए पोर्शन को अडल्ट ब्रिटल स्टार जो है दैट विल सून रिप्लेस बाय द रिजनरेशन कैपेबलिटी और जो सेपरेटिड आम होगा दिस विल आल्सो डिवेलप इन टू कम्प्लीट इंडिजुअल बट इट इज़ आ स्लो प्रोसेस इसी तरह से आम के अलावा ऑफिज्स में इनका गट और गोनेड्स के मसल्स जो हैं उनके अंदर भी एबिलिटी है कि वो रिजनरेट कर सकते